केसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। भाजपा की करनाल लोकसभा प्रत्याशी संजय भाटिया ने नामांकन भरने के बाद विपक्षी पार्टियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन के मुद्दे पर भी नेता एकजुट नहीं है। एक कहता है गठबंधन हो गया तो दूसरा उसे नकारता है। विपक्ष को मैं तो साधुवाद दूंगा, वो प्रयास करते हैं गठबंधन करने का भी, और कई बार बनता है कई बार टूट जाता है। एक बोलता है कि होगा गठबंधन, दूसरा बोलता है नहीं होगा, तो मैं तो साधुवाद ही दे सकता हूँ। 100% आप देख रहे हो सभी के सभी यहाँ उपस्थित हैं और सभी के सभी चुनाव में लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि हम मेरे से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता और समाज स्वयं चुनाव लड़, इतनी माउथ पब्लिसिटी है, सब एक दूसरे को दूर रिश्तेदारों को फोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा छोटा भाई खड़ा है, वो कहते हैं तू हमें क्या कह रहे हैं, हम तो पहले ही लग रहे हैं उसके साथ। इस तरह की बातचीत आपस में होती है। सब मुकाबला समझते हैं आप किसी से? नहीं, चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लेना चाहिए। मैं तो हर विनम्रता के साथ प्रत्येक वोटर के पास जाऊंगा, प्रत्येक दरवाजे को खटकाऊंगा, और हमारे कार्यकर्ता गए हुए हैं, हम इलेक्शन की तरह इलेक्शन को लड़ेंगे। करनाल और कुरुक्षेत्र का चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। सीएम हर हालात में ये दोनों सीट जीतना चाहते हैं, इसीलिए खुद नायब सिंह सैनी और संजीव भाटिया का नामांकन भरवाने के लिए मुख्यमंत्री करनाल और कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार, खाद्य आपूर्ति मंत्री करणदेव कंबोज, पानीपत के दोनों विधायक महिपाल ढांडा, रोहिता रेवड़ी के अलावा करनाल और पानीपत के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले करनाल के रामलीला भवन में भाजपा की तरफ से नामांकन सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिले के कार्यकर्ता पहुंचे और साथ में जिले के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर का जो विषय है, यह सब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। अजीत चौटाला के गठबंधन से नए हरियाणा बनाने के बयान पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि जिसकी जमीन खिसक जाती है वो गठबंधन करती है, इतनी ताकत थी तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी। जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, और हमारे कैंडिडेट्स लगातार जो नॉमिनेशन भर रहे हैं, इस समय तक 9 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पूरा हो गया है। जैसे आज भी 3 जगह करनाल में, कुरुक्षेत्र में और हिसार में, कल 19 तारीख को 5 लोकसभा के कैंडिडेट्स ने नामांकन भरे थे, परसों 18 तारीख को एक भरा था, और एक शेष बचा रोहतक का, वो 22 तारीख को नामांकन होगा। और बड़ी विडम्बना की बात यह है कि हमने तो सारे अपने नॉमिनेशन यानी एक प्रकार से भरने शुरू कर दिए, कंप्लीट करने की ओर हैं, और जो प्रमुख पार्टियाँ हैं उनके अभी कैंडिडेट ही जो है वो ढूंढने से उनको मिल नहीं रहे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जल्दी से कैंडिडेट घोषित करें ताकि ये जो रोचक हो जाए ज़रा, हैं, चुनाव का जो प्रक्रिया है रोचक बने। लेकिन विडम्बना ये है कि उनके यहाँ किसी एक पर हाथ रखते हैं तो वो भाग जाता है, दूसरे पर हाथ रखते हैं तो कांग्रेस वाला वो भाग जाता है, इसलिए जल्दी से इस काम को पूरा करें। चौटाला पा रहे हैं और उन्होंने आज मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान दिया कि जेजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन इसलिए किया कि नया हरियाणा बनाना चाहते हैं। देखिए, जिनकी जमीन नहीं होती है, जमीन खिसकी हुई होती है, गठबंधन वही करते हैं। अगर मान लो इतनी ताकत थी तो फिर उनको गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो इस गठबंधन के सारे किसी प्रकार का अपना राजनीतिक कोई वर्चस्व बचाना चाहे बचेगा नहीं। बताया जा रहा है कि बापू बेटे को भी टिकट मिलने जा रही है जो है सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा को। मैंने बताया कि जिस प्रकार का ये वंशवाद की जो सारे सिस्टम है, बापू बेटा सब एंड कंपनी सब मिलकर के ही राज करते रहे हैं, और एक पार्टी में नहीं ठीक जांच रसी तो वो दो पार्टियां मिला करके भी सारा वही परिवार, इधर भी परिवार उधर भी परिवार, तो जनता सब जानती है।
करनाल पहुंचने से पहले पानीपत टोल पर संजीव भाटिया का जमकर स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भाटिया के समर्थन में पहुंचे थे। वहीं भाजपा के नेता करनाल सीट जीतने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी मजबूत प्रत्याशी संजीव भाटिया के सामने नहीं है। वर्षों पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।